कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू प्राइमरी सेल्स, ठीक है ना, कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू प्राइमरी सेल्स, ये कैसे कंपेयर करेंगे, तो इसका भी वही है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, अलग से कुछ मैं नहीं लिख रहा हूँ। आपको क्लियर हो रहा हो कि जैसे आपको ई1 और ई2 का रेशियो निकालना है, ठीक है ना, आपको ई1 और ई2 का रेशियो निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे ई1 और ई2 का रेशियो, ठीक है ना। तो पहले आप ई1 के कॉरेस्पॉन्डिंग बैलेंस लेंथ निकाल लोगे, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ पहले जैसा ही, आपने पहले ई1 के कॉरेस्पॉन्डिंग बैलेंस लेंथ L1 नोट कर ली, ठीक है, बिल्कुल भाई एकदम। तो आप वही ध्यान रखेंगे इसमें भी कि आप दोनों सेल्स की जब रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है, तो प्राइमरी सर्किट में करंट, क्योंकि रीडिंग का मतलब वही है ना, बैलेंस लेंथ, जब बैलेंस लेंथ होगी तो करंट ऐसे चल रही है, इसकी भी जब बैलेंस लेंथ होगी तो करंट ऐसे ही चल रही है, तो वो सेम रहेगी, ठीक है ना। बट आपने अगर यहाँ गड़बड़ कर दी तो फिर वो रीडिंग गलत हो जाएंगी आपकी। E2 के कॉरेस्पॉन्डिंग L2 है, तो E2 कितना आ गया, सबको बहुत क्लियर है, इसी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है इस तरह की बातों में, बताइए। तो आपका E1 अपॉन E2 कितना आ जाएगा, रेशियो, दो बैलेंस लेंथ निकाल लिया आपने दोनों बैटरीज के कॉरेस्पॉन्डिंग, और आप बैटरी का जो EMF है वो बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, ठीक है, क्लियर है आपको ये चीज, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। अब आ रहे हैं हम एप्लीकेशन नंबर 3 पर आ रहे हैं इसके, एप्लीकेशन नंबर 3 देख लीजिए इसका क्या है। टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ठीक है ना, कि आप पोटेंशियोमीटर की हेल्प से इंटरनल रेजिस्टेंस का यूज, तो सबका बेसिक यूज तो वही है पोटेंशियोमीटर का, किसी भी दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, ठीक है ना। बट जो आप प्रैक्टिकली करते हैं उन चीजों पर बहुत पूछ सकते हैं, तो वो मैं आपको करा रहा हूँ, नहीं तो सब आप कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं, एक बार मैंने बता दिया कैसे निकालना है तो सारा एनालिसिस आप समझ सकते हैं, कोई अलग से क्वेश्चन आए इसको क्वेश्चन की तरह ले लें तब भी आप कर दें, ठीक है। बट बहुत एडवाइजेबल है इसका जो मैं फाइनल फार्मूला निकालूंगा, मीन्स में क्वेश्चन देखे गए ऐसे डायरेक्टली, ठीक है ना, उसका फाइनल फार्मूला भी आपको याद रखना है। अभी तक कोई याद रखने वाली बात कुछ थी नहीं, बेसिक जो था कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई लेमडा इंटू एक्स होता है, वैसे भी अगर पोटेंशियोमीटर की पिक्चर आपके दिमाग में है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, तो वैसे भी तो याद करने वाला कुछ नहीं था। बट अब इसका आपको याद रखना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फार्मूला आएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट गिवन होता है आपको जो आप इससे रीड करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर से, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला निकाल देता हूँ, ठीक है ना, वो देख लीजिए आप। जैसे मान लो आपको ए आर निकालना है, तो ये दो पॉइंट में लिख रहा हूँ ए और बी, ठीक है, या तो मैं बैटरी का जो आर को है ना, एक तो कैपिटल ई, और जब ये एक्सटर्नल सर्किट में करंट चला रही है बैटरी, तब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी की टर्म में निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। स्मॉल आर को मैं किसकी टर्म में निकालना चाह रहा हूँ, बैटरी के ईएमएफ ई, और जब उससे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर में करंट चल रही है, ठीक है, तो उसके अक्रॉस, तब उसके बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो तब बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी, ठीक है ना। जब कोई करंट नहीं चलाती तो जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो ईएमएफ के बराबर ही तो रहता है बैटरी के अक्रॉस, बट जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में बैटरी करंट चलाती है तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब आई की वैल्यू लिख दो, आई कितना आ रहा है आपका, आई कितना आ रहा है, आई आ रहा है ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आ रहा है, ठीक है। तो जो मैं बात कर रहा हूँ वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वी, ये कितना हो जाएगा, आई इंटू आर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, और ये कितना हो जाएगा, इसलिए आपका आई की जगह वो रख दो ई अपॉन आर आर प्लस आर, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपको निकालना है स्मॉल आर, तो वी आर प्लस वी स्मॉल आर इक्वल्स टू आर, तो यहाँ से आर कितना आ गया, ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर, चाहो तो ये भी याद रख सकते हो, फिर दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ऐसे दोनों ही ध्यान रखने हैं, ठीक है ना, कि अगर आपको ईएमएफ पता हो और पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस बैटरी के अक्रॉस पता हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर में, तो ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर विल बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। देखो दिक्कत तो नहीं है किसी को भी यहाँ तक इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन लिखने में, ठीक है,
सबको समझ में आ रहा है कि बैटरी, तो बस आपको पता है कि आप क्या करना है पोटेंशियोमीटर से। पोटेंशियोमीटर से आप ये दोनों चीजें निकाल सकते हैं बेटा, क्योंकि पोटेंशियोमीटर यही तो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो निकालता है। तो एक बार तो ईएमएफ निकालो, ईएमएफ के लिए किसी एक्सटर्नल लोड में करंट नहीं चलनी चाहिए, तो जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस टर्मिनल्स, दैट इज ईएमएफ। और अगर किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में आप करंट चला रहे हो, और तब पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के आप क्या लिख लेंगे, निकाल लेंगे, वो आपका कैपिटल भी हो जाएगा। और वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नोट कर लो किस में करंट चला रहे हो, तो निकल जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो ऐसे ही करते हैं, देखो क्या करते हैं, ये आपकी बैटरी सर्किट बना रहा हूँ मैं, इधर एक और इधर ये रियोस्टेट। अब आपको बनाना भी याद हो जाना चाहिए, दो तीन बार ड्रॉ कर दिया मैंने, आपकी भी प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए पोटेंशियोमीटर के नाम पे सर्किट, ठीक है। अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए इस तरह का बनेगा बेटा। इंटरनल एक तो ये वो जिस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है वही बैटरी है, तो यहाँ पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगा दो। ये ई और आर, ये आपका प्राइमरी सर्किट, ये आपका रियोस्टेट, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दो, ठीक है ना। रेजिस्टेंस बॉक्स समझते हैं, मतलब इसमें से कुछ निकाल लोगे आपकी तो वही रेजिस्टेंस लग जाएगा, ये थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है ना। कहीं आप सोचो आपको इस तरह लिखा गया कि रेजिस्टेंस बॉक्स में से 50 ओम का निकाल लिया, तो आप कन्फ्यूज हो जाओ कि निकाला है कि लगाया है। तो आपको अगर देखा हो अपने लैब में रेजिस्टेंस बॉक्स में से जितने का रेजिस्टेंस आप निकालते हो, की जितने रेजिस्टेंस के निकालते हो आप, लिखे होते हैं ना, तो 50, 100, 200, 250, तो जितने भी ओम के सामने के ऊपर की आप निकाल लोगे उतना रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसा है, और ये आपका क्या है, गैल्वेनोमीटर है, और इस तरह का कनेक्शन, ये सर्किट यूज करेंगे। तो दो की है, एक तो K1 तो क्लोज कर ही देंगे अपन, और ये जो है आपकी K क्या है उसका, ठीक है ना। तो शुरू में K ओपन है इनिशियली, ठीक है ना। तो आपका पर्पस क्या है, टू फाइंड आउट ई एंड वी यूजिंग पोटेंशियोमीटर, तब आप अपने आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। टू फाइंड आउट ई एंड वी, ठीक है ना, टू फाइंड आउट ई एंड वी यूजिंग पोटेंशियोमीटर, टू फाइंड आउट ई एंड वी यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो ई एंड वी निकालनी है आपको पोटेंशियोमीटर यूज करते हुए, ठीक है। तो सबसे पहला है कि कैपिटल के इज ओपन एंड बैलेंस लेंथ L1 इज नोटेड, क्या कह रहा हूं मैं, कैपिटल के इज ओपन एंड बैलेंस लेंथ, L1 इज नोटेड। सबसे पहले आपने बैलेंस लेंथ निकाल लेंगे अब आप, ठीक है ना। के आपका ओपन है, के इज ओपन एंड बैलेंस लेंथ L1 इज नोटेड, और बैलेंस लेंथ L1 आपने निकाल ली, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा, E किसके बराबर हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा प्राइमरी सर्किट की करंट I इंटू लेमडा इंटू L1 के बराबर हो जाएगा। देखो इस इक्वेशन में दिक्कत तो नहीं किसी को, I इक्वस टू E इक्वस टू I लेमडा L1, इक्वल टू आई लेमडा इंटू L1 में दिक्कत तो नहीं है किसी को, ठीक है। तो ये तो E आ गया, बैलेंस लेंथ निकाल लिया आपने। पता है जब ये ओपन है तो बस वही है आपकी बैटरी कनेक्टेड है, तो जो बैलेंस लेंथ है तब इसमें करंट नहीं है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल टू EMF ऑफ द बैटरी। तो यहाँ तक सबको आ रहा है बेटा एकदम, ठीक है ना, कोई तकलीफ नहीं है किसी को भी। अब क्या करेंगे, अब मैं करूंगा नाउ रेजिस्टेंस ऑफ नोन ईएमएफ इज इंसर्टेड थ्रू रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है, एंड कैपिटल के इज क्लोज्ड, नाउ आर इज इंसर्टेड, नो नॉन ईएमएफ, ठीक है ना, नॉन रेजिस्टेंस मतलब नॉन रेजिस्टेंस का आर इज इंसर्टेड इन रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है, एंड कैपिटल के इज क्लोज्ड, और आपने कैपिटल के को क्या करा, क्लोज कर दिया, कैपिटल के इज क्लोज्ड, ठीक है। नाउ बैलेंस लेंथ L2 इज नोटेड, नाउ बैलेंस लेंथ L2 इज नोटेड, बैलेंस लेंथ L2 इज नोटेड। अब आप बैलेंस लेंथ L2 नोट करेंगे, ठीक है।
तो आप बोल दो इसको, चाहे से ए और बी बोल दो आप, तो आप क्या देगा बताओ आप। अब जो बैलेंस लेंथ है, मतलब इधर करंट नहीं आ रहा है बट इधर तो चल रहा है, समझ रहे हैं आप इस चीज को। अब जो बैलेंस लेंथ की लगा के और इसमें रेजिस्टेंस लगा के निकाली है, तो बैलेंस लेंथ मतलब इधर पोटेंशियल सेम है, तो इधर तो नहीं चल रहा है करंट, ठीक है ना करंट, बट ऐसे तो चल रहा है इसमें। यहाँ पर आपने कैपिटल आर रेजिस्टेंस इंसर्ट कर दिया, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो आप बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर वी मान लें, तो आर यही होगा ना, ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर, यही तो है, ठीक है। तो और अब बैलेंस लेंथ कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस देगी, इन दोनों पॉइंट्स का ही देगी, ठीक है ना, जो बैलेंस लेंथ एल टू दे रही है, क्योंकि इसका पोटेंशियल सी का बी के बराबर है, ठीक है। तो वी ए माइनस वी सी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, बट वो बैलेंस लेंथ ई एम एफ नहीं दे रही है। अब क्या दे रही है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर में जब बैटरी करंट चला रही है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है। बताइए कोई तकलीफ किसी को यहाँ तक, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि लास्ट पॉइंट मतलब बैटरी का आपको करंट क्लियर है बेटा, कि आपने जब इसमें से रेजिस्टेंस आर लगा दिया है कि यहाँ पर क्लोज कर दी है, तो करंट ऐसे चल रहा है बैलेंस लेंथ पर, इसी तरह क्लियर है बिल्कुल, है ना। हाँ तो अब ये वही केस बन गया ना बेटा जैसे यहाँ था, ये देखो बैटरी रेजिस्टेंस आर में, हाँ क्योंकि बैलेंस का मतलब यही है ना, तो आपका यही सिचुएशन बन गई बिल्कुल नीचे। तो आपको पता है कि वी ए माइनस वी बी क्या, अगर वी है तो फिर रेजिस्टेंस यही तो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, ई माइनस वी अपॉन, तो आपने वी निकाल लिया, वी मतलब जो बैलेंस लेंथ देगी वो वी तो देगी आपका, क्लियर है, लिख दो यहाँ पे कि अब जो बैलेंस लेंथ एल टू देने वाली है वो क्या देने वाली है, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वी इक्वल टू आई इंटू लेमडा एल टू देने वाली है। बताइए आप, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, वी इक्वल टू आई लेमडा एल टू में, तो बहुत ही, अब फिर वही बात बेटा, जब आप ये लगा के निकाल रहे हैं ना वापस से सेकंड बैलेंस लेंथ, ये चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर से सब गलत हो जाए, ठीक है ना। अगर ये आई का आई वन हो गया, तो जो फार्मूला आप अभी यूज करने वाले हैं हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, वो नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन में तो कुछ भी घट सकता है, क्वेश्चन में कह देगा मान लो अब मैंने ये भी चेंज कर दी, तो अब बैलेंस लेंथ इतनी आ रही, तो उसके अकॉर्डिंग डील करेंगे। यहाँ पर कुछ आई वन निकल आए, फिर आपका वी निकल आए, ठीक है ना। बट लेकिन अगर आप उस फाइनल रिजल्ट के थ्रू जाना चाह रहे हैं, जिसको हम लैब में बार बार अप्लाई करते हैं या जो हर प्रैक्टिकल के बुक में गिवेन है, तो फिर कंडीशन ये है कि आपका प्राइमरी सर्किट का करंट अनचेंज रहना चाहिए, तब आपके पास कुछ बचा नहीं है, वन और टू को उठा के आप उसमें पुट कर दीजिए, ठीक है ना। क्या कह रहा हूँ, रिप्लेसिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू इन इक्वेशन ए, ठीक है, मैं कह रहा हूँ रिप्लेसिंग वैल्यूज, वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए में रिप्लेस कर, रिप्लेसिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू इन इक्वेशन ए, तो कितना आ गया आप रख दो इसमें, आर इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर, आर इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन था, ये आ गया आपका आई लेमडा इंटू एल वन, ये आ गया आपका सेकंड बैलेंस लेंथ आई लेमडा इंटू एल टू, तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या निकल के आ जाएगा, एल वन माइनस एल टू अपॉन एल टू इंटू आर, तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। आर इक्वल्स टू एल वन माइनस एल टू अपॉन एल टू इंटू आर, ये आपका याद रहना चाहिए। लैब में आप ऐसे ही करते हो, ठीक है ना, एल वन तो एक बार ही निकालते हो ई एम एफ, तो फिर इसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस के लिए एल टू नोट करते जाते हैं, ठीक है, और फिर आप उससे उस रीडिंग से आर की वैल्यू बता देते हो कि आर की वैल्यू इसके इसके बीच हो सकती है, जो भी आपकी रेंज आती है, सेम तो नहीं आता, इसलिए 4 5 10 रीडिंग लेनी पड़ती है, पता है आपको, ठीक है। तो फिर आप उससे आपकी इसकी वैल्यू रिपोर्ट कर देते हो कि आर की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक वेरी करी है हमारे एक्सपेरिमेंट में, इस तरह से आप रिपोर्टिंग करते हो उसका, ठीक है। बट आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि आपको कैपिटल आर गिवेन है और दोनों बैलेंस लेंथ गिवेन है, तो फिर आप सोचो पता नहीं क्या आ गया है, फिर आप सब चीज़ कैलकुलेट कर रहे हो, ऐसा मत करो एग्जाम, ठीक है ना। सब चीज़ें कैलकुलेट करके ही तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो वापस एग्जाम में ही क्यों सारे एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो, पहले करो जितने करने, ठीक है ना, क्लियर है। देखो जैसे इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपके,
इसी थर्ड एक्सपेरिमेंट